राशन की दुकानों पर भी कोरोना महामारी का असर साफ दिखाई दे रहा है। खरकोटा शहर के खाद्य निरीक्षक नवनीत हुड्डा के अनुसार सरकारी राशन जो बीपीएल परिवारों को दिया जा रहा है उसके लिए सिर्फ 10 लोगों को फोन किया जा रहा है जिन्हें राशन के लिए बुलाया गया है। साथ ही उन्हें फिंगरप्रिंट न लगवाते हुए पुराने तरीके से रजिस्टर में दस्तखत कराते हुए राशन दिया जा रहा है। जैसे कि पहले 10 लोग राशन लेकर चले जाते हैं वैसे ही अगले 10 लोगों को फोन पर सूचना देकर बुला लिया जाता है जिससे बीमारी से बचाव और राशन का वितरण दोनों सुचारू रूप से चल रहे हैं। मैं अर्जुन वार्ड नंबर 10 खरकोदा वार्ड कड़ी पोल्डर महामारी वायरस को देखते हुए कुछ धारा 144 को देखते हुए कुछ लेट राशन वितरित चल रहा है क्योंकि इस वायरस को महामारी देखते हुए 10 आदमियों को राशन वितरित किया जा रहा है। फोन करके बुलाया जाता है, जब 10 ले जाते हैं तो 10 को और फोन करके बुलाया जाता है जिससे महामारी से बचा जाए। बांटा जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? राशन बांटा जा रहा है जी, राशन थोड़ा लेट हो गया था इसी कारण थोड़ा देरी हो गई थी और कल से स्टार्ट होया राशन। लोगों से ज्यादा दूरी बना रखे, डिपो पर ज्यादा भीड़ ना हो, डिपो होल्डर को दिशा निर्देश दे दिए हैं। आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरी समूचली से राशन वितरित कर दिया जाएगा। आपका नाम? नवनीत हुड्डा जी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर खरकोटा।